मित्रों नमस्कार। कैसे मित्रों साथियों, देख रहे हैं कि किसी का परिजन, किसी का निकट संबंधी कोई न कोई अस्पताल में है, घर पे भी हैं, क्वारंटाइन भी हैं। तो उनके लिए समस्या आती है कि उनको क्या खाना दिया जाए, क्या भोजन दिया जाए। अब इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डाइटिशियन की। मैं अपना एक प्रकरण बताना चाहता हूं। खैर, उस प्रकरण को बताने से पहले आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आपके कैरियर से संबंधित हम जानकारी देने जा रहे हैं। पिछली बार हमने आपको पैकिंग के ऊपर बताया था, आज हम किसी दूसरे विषय पर बताने जा रहे हैं। अब ये छोटे छोटे विषय हैं जिनके विषय में ज्यादातर मास लोगों को, अधिसंख्य लोगों को जानकारी नहीं। हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, क्या करें, जो पढ़ रहे हैं, छात्र हैं, किस प्रकार की पढ़ाई करें, कैसे आगे बढ़ें, बस हर व्यक्ति के अंदर ये समाया हुआ है कि MBA कर लें, BCA कर लें, MCA कर लें, और इसी में वो करियर बनाने के सोच रहे हैं, BTEC कर लें, MTEC कर लें, MCA कर लें। लेकिन अब इन सब चीज़ों में रोजगार पाना या इसके बाद अच्छा करियर स्टार्ट करना बहुत आसान नहीं है। एक क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण महत्ता इस बात से जानी जा सकती है कि चाहे सेना का कैंप हो, चाहे पुलिस कैंप हो, चाहे कोई भी अस्पताल हो, हमारे स्टूडेंट्स की मेस हो, बड़े बड़े होटल्स हो, होटल के मैनेजमेंट हो, उन सब में हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती? डाइटिशियन की ज़रूरत पड़ती। मैं ही 2014 में मेरा जब हार्ट का ऑपरेशन मैदान तब हुआ तो उसके बाद एक डाइटिशियन आती थी, रोज खाना अपने सामने बताती थी कि ये खाना है, ये इस तरीके से पूरा चेक करती थी और उस खाने में न्यूट्रिशन क्या है, किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, ये सब बातें वो बताती थी। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशियंस का कोर्स बहुत आवश्यक है। अगर आप ये कर लें तो आप शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 15-16 हज़ार रुपए की तनख्वाह से लेकर के विदेशों तक में आपकी इंडियन डाइट की बड़ी मांग विदेशों में भी है, तो आप 20-25 लाख तक का जाप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार के लोगों का चयन होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मैंने कुछ थोड़ी सी चीज़ें नोट करके लाया हूँ, वो चीज़ें जो नोट करके लाया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको जरूरी है, इसके लिए आप मनोविज्ञान या साइंस बायोलॉजी इन विषयों में आप इंटरमीडिएट तक कोर्स आप जरूर करे हों। जब आप इन विषयों में कोर्स करे होंगे तो आपका एक कंपटीशन होता है, उसमें आपका चयन हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे संस्थान डाइटिशियन के कोर्स चला रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख संस्थान की बात मैं करता हूँ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर दक्षिण में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में तो हाई है ये कोर्स। इन जगहों से आप ओपन यूनिवर्सिटी से भी आप कोर्स कर सकते हैं और इन कोर्सों को करने के लिए बहुत आपकी आवश्यकता है। अब इस प्रकार से इसमें किस किस प्रकार की महत्ता के ऊपर हम बताना चाहेंगे। एक कम्युनिटी डाइटिशियंस होता है। अब कम्युनिटी डाइटिशियंस में पब्लिक हेल्थ के ऊपर आपको फिटनेस,
फिटनेस क्लब या डे केयर सेंटर्स आदि में काम करते हैं। इस तरह काम करते हुए ये आहार पोषण की जागरूकता और आहार के माध्यम से बीमारी में बचाव के विषय में आपको बताते हैं कि कौन सा आहार किस प्रकार से, किस प्रकार से किसमें न्यूट्रिशन आपको जरूरत है, किस प्रकार के विटामिन जरूरत है, किस प्रकार की प्रोटीन जरूरत है, क्या चीज़ जरूरत है, इस समय में ये सब चीज़ें बताते हैं। दूसरी बात है आपको है मैनेजमेंट डाइटिशियन। मैनेजमेंट डाइटिशियन इसमें ये होता है, ये क्षेत्र क्लिनिकल मतलब मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा है, किसमें किस प्रकार से डाइटिशियन का जो हो रोल होता है कि वो कैसे किस रोगी को कौन सा डाइटिशियन का प्रस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से होता है, शुगर रोगी को कैसा, हार्ट के रोगी को कैसा, मोटापा कम करने वालों को कैसा, मोटापा बढ़ाने वालों को कैसा, इस प्रकार के डाइटिशियन की बातें वो बताते हैं। सबके अलग अलग है। फिर कंसल्टेंट डाइटिशियन, बहुत से लोग होते हैं रेगुलर डाइटिशियन नहीं, घर के लोग हैं लेकिन डाइटिशियन से कंसल्ट करके अपनी डाइट को तो वो बनाते हैं। जो रेगुलर हमारे बच्चे स्कूल पढ़ाई करते हैं, आईटी क्षेत्र में हैं, बाहर जाते हैं, उनके पास मौका नहीं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, तो नहीं तो अपनी मोटापा बढ़ रहा है, किसी को मोटापा नहीं हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में कंसल्ट करते हैं, हमारी शुगर बढ़ रही है, कौन सी डाइट खाएं, किस तरीके से खाएं, कितने बजे खाएं, तो डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं, तो उसका अच्छा खासा पैसा देते हैं। ऐसी बात नहीं कि खाली कंसल्ट कर लिया, फ़ोन पर कर लिया, ऐसा नहीं, इस सब चीज़ों के ऊपर होता है। फिर फूड एनालिस्ट की भी पोस्ट होती है। फूड एनालिस्ट आपके लिए यही काम करता है। फूड एनालिस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में, जैसे आपके है अमूल है, बोनवीटा है, ये सब चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे चीज़ें हैं, इस प्रकार के आदि आदि कंपनियों में आपको जॉब मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं और इस पे आपको शुरुआत में तो भले 12-13 हज़ार 15 हज़ार से जॉब मिले, लेकिन ज़्यादा भी जॉब मिल सकता है, बहुत अच्छा। लोग 15-15, 16-16 लाख तक के सालाना इनकम जा रहे हैं, विदेश जाने तैयार हों तो और ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि भारतीय जो डाइट है उसकी बड़ी चर्चा है, शाकाहारी डाइट की, मांसाहारी डाइट की, जो भी है उसके विषय में बताया जाता है कि कैसे क्या खाओ, वो तो मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन डाइटिशियन बताता है, आप डाइटिशियन के कोर्स करके बड़ा अच्छा सम्मानित जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवी बात यह है कि आप घर बैठे से भी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं डाइटिशियन का काम करके, इस प्रकार के। हाँ, ये है कि आप अगर डाइटिशियन करना चाहते हो, गांव में अपने घर में ही रहना चाहते हैं, ये संभव नहीं, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, होम सिकनेस छोड़नी पड़ेगी, है? तभी आपको डाइटिशियन का कोर्स करना चाहिए था, नहीं तो इस विषय में मत सोचना। खैर, ये बात है। आज मित्रों एक हमें वीडियो मिला है, बहुत अच्छा वीडियो है, हमारे मूक बधिर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों ने ये तैयार किया है, दिल्ली के इंस्टीट्यूट से तैयार किया गया है, मेरे अनुरोध पे उन्होंने अनुमति दी है कि ये आप वीडियो चला सकते हैं, मैं उनके प्रति बड़ा कृतज्ञ हूँ, जो भी इसके डायरेक्टर हैं, जो भी इन्होंने बनाया, देखिए कितना बड़ा, आज के कोरोना काल में सकारात्मकता को जगाने के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जरूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ मित्रों, अगर देखें तो कैसा लगा ये वीडियो, हमारा ये पूरा वीडियो कैसा, हमारा ये प्रयास है डाइटिशियन का के विषय में आज आपको बताया, आपको प्रेरित किया, इस पे विषय में आप कहाँ तक सहमत हैं, हमें जरा कमेंट करके बताइए, और कमेंट में देखो और पाओ योजना में भी आप भाग ले सकते हैं, उसमें आपको पुरस्कार भी मिलेंगे। हमने बताया है कि 2 पुरस्कार 1-1 हज़ार के और 4 पुरस्कार 500-500 के मिलेंगे, तो इस प्रकार से 8 पुरस्कार 250-250 के इस प्रकार से पुरस्कार मिलेंगे। तो आप क्यों नहीं कमेंट करते हैं, देखते हैं और हमारे विषय में अपनी सकारात्मक राय दें, और क्या हम इस पर सुधार करें ये आप बता सकते हैं, हम आगे कैसे इसको बढ़ाएं, चैनल को कैसे आपके लिए उपयोगी बनाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने चैनल को बहुत प्रतिष्ठित नहीं करवाना, सिर्फ आपकी सेवा आपके लिए उपयोगी बनाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हाँ, इस विषय में जैसे हम कहते हैं आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वॉच टाइम बढ़ाएं, तो इसमें जरा लोकप्रियता बढ़ेगी, अगर इससे यूट्यूब से अगर या किसी तरीके से हमको विज्ञापन वगैरह मिल जाते हैं
तो हमारा भी इस पे हमारे विकलांगों का बड़ा लाभ हो जाएगा, दिव्यांगजनों का बड़ा लाभ हो जाएगा। ये हमारे जो ये संचालन है नन्मय, न कोई हमारी कोई कमेटी में इसका कोई निजी लाभ इसका नहीं उठाने वाला। तो मित्रों बहुत बहुत आप लोग आगे देखिए वीडियो कैसा है और ये आप अपने कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद। ये हिंदुस्तान है और एक फैसला आपको करना है। ठीक है कि फिजा ठीक नहीं, मालूम है कि माहौल डर का है, बदसूरत सन्नाटे की आहट सुनी हमने, धुकधुकी है छाती के भीतर, फिक्र है बुजुर्गों की बच्चों की, दुकानें बंद हैं सड़कें वीरान हैं, दूसरे शहर में पड़ी माओ की रातें करती हैं साए साए, कोई घर नहीं आता, दोस्तों को भींच लेने को तरसती हैं बाजुएं, बूढ़ी दादी कहती हैं मुलुक को किसी की नजर लग गई, डर लगता है ना। पर वो बता रहे हैं कि सफेद कोट पहनने वाले कुछ पढ़ाकुओं ने प्रयोगशालाओं में जान दे रखी। वो बता रहे हैं कि महज कुछ हफ्तों की कैद के बाद कई दिशाओं से आ रही है राहत की महक। वो बता रहे हैं कि स्पेन में सलाखें तोड़कर बालकनियों से निकला है एक संगीत, उम्मीदों के रोशनदान अब भी खुले हैं, जो कैद में हैं वो ये संगीत सुन रहे हैं। कोई मुल्क है दुनिया के किसी कोने में डेनमार्क करके, जहां सरकार ने सेठों से कहा है कि वे नौकरियां न लें, तनख्वाह हमसे ले लें। मेरे पड़ोस की एक बच्ची ने फोन कर दिया है अपने दोस्तों को, कोरोना चला जाएगा तो फिर से खेलेंगे चोर पुलिस का खेल, दिमाग का एक डॉक्टर मुफ्त में दे रहा है मशवरे कि यहूदियों के तजुर्बे पढ़ो जहां उम्मीद का एक कण न दिखता था। सारी दुनिया सख्ती और नरमी दोनों का सही इस्तेमाल सीख रही है, सारी दुनिया में लोग इस बीमारी से सबक ले रहे हैं, सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये लड़ाई बंदूकों और जहाजों की नहीं, धीरज और प्रेम की। और ये हिंदुस्तान है जिसने सब देखा हुआ है, बंगाल के अकाल से भुज के भूकंप तक, सुनामी पुनामी सब झेली हुई है, बस जिगरा चाहिए, करुणा चाहिए। और देखना बहुत जल्द होगा जब हमारी बसों में प्रेमी हाथ पकड़कर बैठेंगे और धक्का लगने पर फिर चूमेंगे चोरी चोरी, देखना बहुत जल्द होगा जब दफ्तर की सारी थकाने हारेंगी, जब मिल बैठेंगे कई साल पुराने दोस्त, फिर से आसमां गुलाबी होगा मंदिरों की घंटियों से, अजान के स्वरों से, सड़कों पर लकड़ी की डंडी से टायर दौड़ाते बच्चे लौटेंगे, लौटेगा कीर्तन को जाती औरतों का शोर और गोलगप्पे वाले को 10 का नोट पकड़ाती लड़कियां, लौटेंगे प्लास्टिक की कुर्सियों से सड़कें घेरे बैठे बुजुर्गों के ठहाके। ये सब विराम चिन्ह हैं हमारे भागते हुए शहरों के, ये सब लौटेंगे। बस ये हिंदुस्तान है और आपको एक फैसला करना है, फैसला एकांत के अभ्यास का और अपने समाज पर विश्वास का। बसंत कोई प्लेन या ट्रेन में बैठकर नहीं आता, वो चला आएगा आपके बंद पड़े घर की खुली हुई खिड़कियों से। कुछ दिन घर में रहिए जहां अपने रहते, इसी बहाने फुर्सतों को जी लीजिए, शीशे में देखकर फिर से बनाइए चेहरे, फिर से बचपन वाले क्रिकेट शॉट हाथ से मारिए हवा में, पुरानी किताबों की धूल झाड़िए जरा, अलमारी पर चिपकी बिंदियों का गोंद छुड़ाइए जरा, डर है तो हो पर नफरत ना हो, कैद है तो हो अकेलापन ना हो, शक है तो हो स्वार्थ की जगह ना हो, बीमारी है तो होगी अपनी जगह आत्मा बीमार ना हो। तो ये हिंदुस्तान है जनाब और एक फैसला आपको करना है, तो जाइए पहले हाथ धोआइए और पड़ोसी को फोन करके वाईफाई ले लीजिए और चिल्लाइए खिड़कियों से या धुन बनाकर गाइए इसे कि किसी का हाथ छूना नहीं है पर किसी का साथ छोड़ना नहीं।
और कल जब सब कुछ खुलेगा तो देखना हमारे इन्हीं आसमानों में उड़ते हुए पंछी कहेंगे कि कमबख्त इंसानों की इस जिद्दी जात ने एक लड़ाई और जीती।